तो आज की क्लास में हम लोग सिटिंग अरेंजमेंट रीजनिंग का टाइप टू की वृत्तीय क्रम, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है। लेकिन आपका जो रेलवे का एग्जाम होगा या फिर एसएससी का एग्जाम होगा, वहां का जो क्वेश्चन होगा थोड़ा सा नॉर्मल क्वेश्चन होता है, लेकिन फिर भी प्रैक्टिस की जरूरत होगी, जो कि आपको अभी मैं कराऊंगा प्रैक्टिस, और आपको बताऊंगा कि किस तरह से इस तरह के सवाल को आसानी से सॉल्व किया जाएगा। सबसे पहला कॉन्सेप्ट आपको इसमें एक हम वृत्त बना दिए, और इस वृत्त की चर्चा कर लेते हैं, थोड़ा सा बेसिक चीज बता देते हैं कि क्या होगा और वृत्तीय क्रम में इसमें आदमी को बैठाना पड़ता है। किस तरह की बातें होगी इसमें, केंद्र की ओर मुख करके होगा, कभी बोलेगा केंद्र की ओर मुख करके नहीं होगा, ठीक है। आपका कोई भी एग्जाम है, ऑल एग्जाम, देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग जो भी चैप्टर पढ़ रहे हैं सभी एग्जाम को लेके चल रहे हैं, आपका ऐसा नहीं कि किसी एक विशेष एग्जाम का। दूसरी बात, हमको भी पता नहीं और किसी भी टीचर को यह पता नहीं होता है कि कौन सा टाइप सिटिंग अरेंजमेंट का कौन सा टाइप पूछेगा रेलवे में, डीआरडीओ में, एसएससी में, बैंक में, इसको किसी को पता नहीं होता है। इसलिए आपको, जब तक अगर ऐसा रहता तो सभी नौकरी ले लेता, नहीं होता ऐसा कि सर ये तो ये वाला तो पक्का आएगा पांच नंबर का, ये आएगा चार नंबर का, ऐसा नहीं है। आएगा अगर मान लिया जाए तो हो सकता है टाइप वन से आ जाए, लीनियर अरेंजमेंट पढ़ाए थे, हो सकता है टाइप टू से सर्कुलर दे दे, हो सकता है आगे हेक्सागोनल पढ़ाएंगे उससे दे दे, हो सकता है रेक्टेंगुलर से दे दे, बहुत सारा नियम है, कहां से पूछेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो पढ़ना सब पड़ेगा और सब पढ़ा देंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं होगा, नॉलेज से भरपूर रहो, टेंशन नहीं होगा। ध्यान से समझना हम क्या बताना चाहते हैं, ठीक है। आपको यहां पर जो है आदमी को बैठाना पड़ेगा, पांच आदमी को बोलेगा, छह आदमी को बोलेगा, सात आदमी को बोलेगा, आठ आदमी तक बोलेगा, ठीक है, ज्यादातर आठ आदमी तक। बैंक का क्वेश्चन में और एसएससी का क्वेश्चन में और रेलवे का क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, बैंक थोड़ा हाई लेवल कर देता है, उसमें आठ आदमी बैठाना पड़ जाता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं एसएससी का तो पांच आदमी, और अगर हम बात करते हैं रेलवे का तो चार आदमी, पांच आदमी, छह आदमी, इतना ही, ठीक है। एसएससी में भी छह आदमी, पांच आदमी। तो देखो इसमें आपको थोड़ा सा एक लैंग्वेज हम बता रहे, देखो यहां पर इस तरह से एक डायग्राम दो और एक डायग्राम इस तरह से दे दो, यानी कि इस लाइनिंग को समझो पहले, इस लाइनिंग को इधर दो क्या कर रहे हैं, दोनों लाइनिंग को अपनी ओर खींच रहे हैं। आपको ट्रिक बता रहे हैं कैसे याद रखोगे, दोनों लाइनिंग को अपनी ओर खींच रहे हैं। ऐसा क्यों किया कि हम बोलेंगे कि सर हम यहां पर बैठे हैं इस ऊपरी भाग पर और केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। अगर हम ऊपर में बैठ जाए, केंद्र की ओर मुंह करके बैठ जाए और अपने हाथ को ऐसे फैला दें, तो कौन सा हाथ मेरा बायां है, कौन सा हाथ दायां है, हम लिखते दायां हाथ से, ये मेरा राइट हैंड है और ये मेरा लेफ्ट हैंड है, ये तो आपको पता चल गया। इसका मतलब इधर बाएं हो गया, ये वाला जो होता है इधर बाएं हो जाता है, और ये वाला पार्ट जो इधर आ रहा है ये हमारा दाएं हो जाता है। इसका मतलब इसको लेफ्ट बोला जाएगा और इसको राइट बोला जाएगा। ये चीजें आप लोग कॉपी में सबसे पहले लिखो, ये आपका बेसिक चीज है, क्यों दिया इधर बाएं। दूसरा बात, आप क्या बोलना, दोनों तीर मेरे तरफ आ रहा है तो उल्टा लेना है, जो मेरा बायां है वो दायां हो जाएगा, इधर मेरा दायां है तो उसको बायां कर दो, और जो मेरा बायां है वो दायां हो जाएगा। सिंपल सा लॉजिक लगाना है, इतना काम कर लेना है। क्यों ऐसा क्यों, आप कहोगे सर अगर हम नीचे बैठे हैं, यहां बैठे हैं तो इधर मेरा क्या हो रहा है, देखो ध्यान से, इधर हो रहा है मेरा दायां और इधर बायां, तो आप इधर से भी बना सकते हो, लेकिन आपका बुक वगैरह में जो सॉल्यूशन मिलेगा ना यहां बैठा के देता है, इस तरह से देता है। तो आप क्या करोगे, जब भी बनाओगे तो बुक से अपना सॉल्यूशन मिलाओगे तो उसमें आपको ज्यादा संतुष्टि मिलेगा, इसलिए जैसा बुक में फॉलो करता है वैसे आपको बताते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो ये चीजें आप लोगों को समझ में आ गया कि बायां इधर हो गया और दायां इधर हो गया, ये आप लोग समझ गए इतना दूर तक। अब देखो, अब इसमें बोलेगा कि पांच आदमी है और केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, क्या बोल रहे हैं ध्यान समझना, पांच आदमी है केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो पहला काम होगा आपको कि इसमें पांच आदमी को ड्रॉ करना, एक आदमी, दो आदमी, तीन आदमी, चार आदमी, पांच आदमी, ये हो गया। अगर बात करते छह आदमी का तो एक आदमी और बढ़ा देते, अगर सात आदमी तो बढ़ा देते, आठ आदमी तो बढ़ा देते ऐसा। और एक लाइन आपको बोलता कि ए जो है बी और सी के बीच में बैठा है, समझना बात को, हम बता रहे कि कैसे वो कहेगा आपको, ए दे देगा और कोमा दे देगा, बी और सी बोलेगा, ऐसे बी और सी के बीच बैठा है, ऐसा अगर बोला है तो आपको ये डर लगेगा कि अब कहां बैठा है,
आपको ये हमेशा नए स्टूडेंट जो अभी जुड़े हैं, जो अभी रीजनिंग स्टार्ट किए हैं, उसको पहला तो यही दिक्कत होता है कि इसको बैठाए तो कहाँ बैठाए, यहाँ बैठाए कहाँ बैठाए, समझ में नहीं आएगा। अरे भैया कहीं भी बैठा दो, आप कहीं भी बैठा सकते हो। ए लिख दो यहाँ पर, हम यहाँ लिख दिए ए, और बी और सी के बीच में, तो बी यहाँ ले लिए और सी यहाँ ले लिए। लेकिन एक बात बता देते हैं, क्वेश्चन वाला जो होता है ना, वो आपको अगला जो स्टेप होगा वो खुद कहेगा कि बी इधर होगा कि इधर होगा, ये अपने बोलेगा वो अगला स्टेप से। फिलहाल जैसे आप बी सी लिखे हो तो हो सकता है वो बोल देता कि सी जो बैठा है ना डी के बाएं बैठा है। अगर ऐसा बोलता तो आप यहां पर डी लेते और देखिए डी के बाएं सी बैठा है, बिल्कुल बैठा है। लेकिन अगर बाय चांस आपने बी सी लिया ऐसे और बोला होता क्वेश्चन का अगला लाइन कि सी बैठा और बोलता आगे पूर्ण विराम देखे कि सी बी के तुरंत बाएं बैठा है, बी के तुरंत बाएं बैठा है, अगर ऐसा बोलता, क्या बोल रहे हैं ध्यान से समझना, बैठा है अगर ऐसा बोलता तो आप क्या करते जानते हो, तुरंत आप सोचते क्या सर बी के तुरंत बाएं बैठा है सी, सी यहां बैठा है सर, क्या बोल रहे हैं ध्यान से, बी नहीं होगा यहां पे, यानी कि सी जो है ना ऐसे बोलना होगा कि डी जो है डी सी के तुरंत बाएं बैठा है, सी के तुरंत बाएं, हम गड़बड़ कर दिए यहां पे थोड़ा सा, ये लिखना ऐसे था हमको कि ए जो है ए बी के तुरंत बाएं बैठा, ऐसा बोलता। तो एक बात बताओ, अगर यहां ए दिए हैं तो बी यहां पर ना होना चाहिए तभी तुरंत बाएं होगा, तो यहां पर आपका बी होना चाहिए था और यहां पर सी होना चाहिए था, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ये जो हम स्टेप ले रहे हैं ना, आपको हम सिखा रहे किस तरह का क्वेश्चन में आएगा। फिलहाल आप घबराना नहीं, आपको जो देगा वहां पर सिस्टमेटिक ढंग से देगा, आप समझ जाओगे। फिर बोलता आपको बोलेगा कि बी के दाएं तीसरे नंबर पर ई बैठा है, तो देखो दायां, आपको ये सोचना है कि दायां तो मेरा ये है, बी मेरा यहाँ है, तो ये चलेगा, तो इससे चलेगा दायां, पहला दूसरा तीसरा ई बैठा है, ऐसे लेना पड़ता है। ठीक है, फिर बोलता कि ई के पड़ोसी सतह पर, यानी कि ई के पड़ोसी एफ नहीं है, अगर ऐसा बोल देगा आगे लाइन में तो आप क्या करोगे, ई के बगल में एफ यहां नहीं रखोगे, हमेशा याद रखना पड़ेगा ये। इस तरह की बातें सिटिंग अरेंजमेंट में होती है। फिर बोलता कि बी के दाएं, समझना क्या बोल रहे हैं, पांचवे बी के दाएं पांचवे डी बैठा है, तो इधर से चलते पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, यहां डी बैठ जाता, लेकिन इतना भी वो आसान नहीं देगा, आपको सिखा रहे कि लेना कैसे होता है। तो दाएं देखो, बी के दाएं ऐसा क्यों जा रहे हैं, तो दाएं ऐसे ऐसे जाएगा तो बी के दाएं ऐसे चलेगा, यहां से पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा डी आपका ये आंसर होगा, इस तरह से, यानी कि डी यहां बैठेगा तो ऐसे होगा। उसी में आपको बोलेगा कि कुछ बच्चे केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, कुछ बच्चे केंद्र की ओर मुंह करके नहीं बैठे हैं, यानी कि केंद्र के मुख के विपरीत है, अगर ऐसा बोल देगा तो आपको समझना है कि जो केंद्र की ओर मुंह करके बैठेगा उसकी तरफ तीर ऐसे देंगे, और जो केंद्र से बाहर मुंह करेगा विपरीत रहेगा उसको तीर ऐसे देंगे। ठीक है, और ये भी बहुत बड़ी चीज होती है, इस तरह से करके आपको संतुष्ट करना होगा सारे बातों को और आंसर तक पहुंचना होगा, और पहुंच पाओगे जब हम आपको बताएंगे भी सवाल। तो ये था 7-8 मिनट आपको हम बताए, आपको ये बताए, क्या बताए, ये बताए बेसिक। अब जो क्वेश्चन होगा वो आप लोग खुद सॉल्व करने की कोशिश करना और आंसर तक पहुंचना। क्वेश्चन हम स्क्रीन पे दे रहे हैं, देखो कितने लोग इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो, धीरे धीरे प्रैक्टिस के बाद आप सीख जाओगे, टेंशन नहीं लेना, हम आपको सारा चीज सिखाएंगे, बशर्ते आप धैर्य के साथ पढ़ो। देखिए ये क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है और कह रहा है कि पांच लड़के वृत्ताकार घेरा बनाकर खड़े हैं, अभिनव आलोक और अंकुर के बीच में है, अपूर्वा अभिषेक के बाई ओर है, आलोक अपूर्वा के बाई ओर है, बताइए कि अभिनव के ठीक दाएं ओर कौन है। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कौन दे सकते हो, कोशिश करो बनाने का, इस क्वेश्चन को आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो अगर चाहोगे तो। सबसे पहला काम, पांच लड़के वृत्ताकार घेरा बनाकर खड़े हैं, ये बोला है, अभिनव आलोक और अंकुर के बीच में है। एक बात बताओ, सबसे पहले आप वृत्त बना लो, सबको अपना कॉपी में बना लो सबसे पहले वृत्त। ठीक है, सबसे पहला काम होगा कि आपको वृत्त बना लेना चाहिए, सभी लोग जल्दी से वृत्त बना लो, और हम इसका सॉल्यूशन तुरंत अभी दे रहे हैं, लेकिन जब तक आप लोग वृत्त नहीं बनाओगे मजा नहीं आएगा। अब देखो, पांच लड़के हैं वृत्ताकार घेरा बनाकर खड़े हैं, ये क्वेश्चन बोला है, और इसमें कौन कौन है, अभिनव है, आलोक है और अंकुर है।
समझना, हम बहुत ही अच्छे से बता देंगे, बस परेशान नहीं होना, आप लोग सीख सकते हो DII नीतीश का। बहुत अच्छा, वेरी गुड। और कोई आंसर लाओ जल्दी जल्दी, हम आप लोग का बस आंसर का इंतजार में है। उसके बाद ये तो क्वेश्चन आसान है जी, बेहद आसान है, लेकिन आपको थोड़ा सा हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा भी आप लोग बनाने दिए हैं, अगर आप लोग बना लोगे तो फिर तो हम है ही। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन हम देख रहे हैं कहां पर दिया। हाँ देखो, ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन से बता रहे हैं, सबका आंसर अलग अलग आ रहा है, लेकिन ठीक है, बहुत लोगों ने बनाने की कोशिश किया है। देखो हम कैसे बनाएंगे, देखिए अगर हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहला काम होगा कि आपको एक गोला का निर्माण कर लेना चाहिए। ये बना लिए। अब देखो इसमें जो क्वेश्चन का लाइनिंग बोला था, क्या बोला था कि पांच लड़के एक वृत्ताकार घेरा में घेरा बनाकर खड़े हैं, अभिनव आलोक और अंकुर के बीच में। आपको यहां पे ये सोचना है कि सर अभिनव जो है ना वो आलोक और अंकुर के क्या है, बीच में है। तो हम यहां पर ऐसे बना दिए, 1 2 3 4 5 अभिनव आलोक और अंकुर के बीच में। तो अभिनव यहां लिखते पहले, अभिनव ठीक। अब आलोक यहां लिख दिए, आलोक और अंकुर ऐसा लिख दिए। बात को समझना, अभिनव जो है आलोक और अंकुर के बीच में, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि आपका अभिनव जो है, यानी कि अभिनव से इधर ही आलोक रहा होगा और इधर ही रहा होगा, इसकी तो कोई गारंटी नहीं है। आप कहोगे सर आलोक इधर भी रह सकता है। हाँ, ये चीजें आपके जहन में आना चाहिए कि सर हो सकता है आलोक यहां रहा हो और अंकुर यहां रहा हो। लेकिन अगला जो स्टेप जाओगे ना, आपका अगला स्टेप खुद बताएगा कि हमको किधर लेना है। तो देखो अगला स्टेप पे जाओ, अगला स्टेप कहता है कि बीच में है के बाद अपूर्वा अभिषेक के बाई ओर है। अपूर्वा, देखो यहां पर हमको अपूर्वा और अभिषेक कुछ नहीं मिला। अब यहां पे दो खाली जगह बचा है, अपूर्वा अभिषेक के बाई ओर। आपको ना बाई और दाई का ज्ञान होना चाहिए। ए भैया इधर क्या होता है, इधर देखो दाया है ना, इधर बाया लेना, उल्टा लेना, क्योंकि हम उल्टा ऊपर बैठेंगे और इधर क्या हो जाएगा आपका, इधर दाया हो जाएगा। ये चीज आपको तो ज्ञान होना चाहिए। और ये जस्ट भी बताए। अब अपूर्वा लाइन को पढ़ो, उस लाइन को क्या बोला है देखो ध्यान से पढ़ो। कहता है कि अपूर्वा जो है अभिषेक के बाई ओर है। ए भैया अपूर्वा अभिषेक के बाई ओर, अगर हम यहां अभिषेक बैठा देते हैं, यहां अभिषेक बैठा देते हैं, तो अभिषेक के बाई ओर इधर क्या हो जाएगा, अपूर्वा। ध्यान दो, अभी फर्स्ट क्लास है इसलिए अच्छे से सीखो। अभिषेक के बाई ओर देखो, बाई ओर इधर हो गया अपूर्वा, ठीक है। अभी तक तो हमको यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुआ। फिर अगला लाइन कह रहा है, ध्यान से देखना, अगला लाइन कहता है कि बाई ओर है क्यों, आलोक अपूर्वा के बाई ओर है। आलोक जो है ना, आलोक यहां है, अपूर्वा के बाई ओर है, अपूर्वा के बाई ओर है। भैया यहां पर बाई ओर यहां होना चाहिए आलोक, ठीक है। हम बोलेंगे कि सर यहां पर आलोक लिख देते ज्यादा अच्छा रहेगा, आलोक, ठीक है। ऐसे आप कहोगे सर बाई ओर तो था ही ना, नहीं भाई बगल में रखो ज्यादा अच्छा रहेगा। अपूर्वा के बाई ओर हो गया आलोक, तो इधर हो जाएगा अंकुर, इधर क्या हो जाएगा अंकुर। ये आपको थोड़ा कट्टम कुट्टी करना पड़ेगा, दिक्कत नहीं है, सीख जाओगे। फिर बोला है कि आलोक अपूर्वा के बाई ओर, बताइए कि अभिनव के ठीक दाई ओर कौन है, अभिनव के ठीक दाई ओर कौन है। तो आपका आंसर हो जाएगा इसका आलोक। क्या आंसर हो जाएगा, आलोक। कितने लोगों ने इसका आंसर किया था आलोक, अभी हम जस्ट चेक करेंगे, देखते हैं आप लोग कितने लोगों ने आंसर किया था। वाह बहुत अच्छा, बहुत लोगों ने आंसर बिल्कुल सही किया है, आलोक सही आंसर है। और देख लेते हैं, देखो विवेक कुमार सबका आंसर सही था जी, ठीक है। गुड इवनिंग अनिल, बी को डी भी दिया, मीना का डी आया है, छोटू का बी आया है, नीतीश का डी आया है, चलो बहुत अच्छा। तो इस तरह के क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये पहला क्वेश्चन आप लोगों को थोड़ा लेट से बता दिए, लेकिन हम समझा दिए। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो तुरंत कमेंट करो कि सर हमको प्रॉब्लम है, ठीक है। क्या बोले, ये तो बताया ही नहीं गया, ये तो बताया ही नहीं गया। क्या नहीं बताया गया, पूरी बातें बोलो, पूरी बातें लिखो, क्या नहीं बताया गया, ठीक है। कि अंदर की ऊपर देखे हैं, देख रहे हैं। हाँ वाह क्या बात है, ये हुई ना बात। देखो जब क्वेश्चन की बात रहे, अंदर और बाहर देखने से कोई यहां मतलब नहीं है अंदर, लेकिन हाँ मतलब है जब भी क्वेश्चन में रहे कि केंद्राभिमुख है या ना है, तो आप ना अंदर के ओर ही लेना, अंदर। जितना क्वेश्चन बनता है इसमें सारा केंद्राभिमुख। देखो क्वेश्चन का लाइन पढ़ो, पांच लड़के वृत्ताकार घेरा बनाकर खड़े हैं। ए भैया वृत्ताकार घेरा बना के
के तभी खड़ा होगा जब इस तरह से खड़ा होगा, ठीक है। कोई विपरीत खड़ा नहीं होता है, कोई विपरीत घेरा बना के खड़ा अच्छा लगेगा नहीं उस कोने में। जो भी सलाह मीटिंग करेगा वो एक दूसरे को देख कर करेगा, ये इसको देख कर करेगा, ये इसको देख कर करेगा और ये इसको देख कर करेगा। अगर वो लोग बाइक उधर खड़ा हो जाता है तो ना तो ये इसको देख पाएगा, ना तो इसको देख पाएगा, ना तो इसको देख पाएगा, ऐसा हो रहा है। तो पांच लड़के क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना पड़ेगा ना। पांच लड़के वृत्ताकार घेरा बनाकर खड़े हैं अभिनव आलोक के अंकुर के बीच में, इस तरह की बात है। तो जब घेरा बना खड़ा होता है ना, सब केंद्र की ओर रहता है, ये आपको समझना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, इतना सा आपको दिमाग में लाना पड़ेगा। अब देखिए, अब अगला क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, इसको बनाइएगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चन आप जब अभ्यास करेंगे धीरे धीरे, अभी जीरो लेवल से स्टार्ट किए हैं, हाई लेवल तक का क्वेश्चन कराएंगे, परेशान मत होना। देखो क्वेश्चन नंबर दो, छह मित्र है ए बी सी डी ई और एफ, एक गोल मेज के चारों ओर इस प्रकार बैठे हैं कि ए, देखो यहां पर भी बोला केंद्र की ओर नहीं बोला, तो गोल मेज के जब चारों ओर बैठेगा ना तो वो केंद्र की तरफ ही होगा, ये आपको समझना पड़ेगा। कि कहता है ए बी और सी के बीच में है, डी के ठीक दाएं सी बैठा है, बी एफ और ए के बीच में बैठा है, तो एफ के ठीक दाएं कौन बैठा है। क्वेश्चन नंबर दो का सॉल्यूशन करो। देखो सबसे पहले आप एक गोला बना लो, गोला बनाने के बाद आपको तुरंत पता होना चाहिए कि जिधर मेरा दायां हाथ होता है सर उधर हम बायां ले लेंगे, और जिधर बायां हाथ होता है उधर इस तरह से अपनी तरफ तीर करके दायां ले लेंगे, ये चीजें आप नहीं भूलना, ठीक है। उसके बाद जो लाइनिंग बोला है क्वेश्चन का, उसको पढ़ पढ़कर आप बनाने की कोशिश करो, आप बना सकते हो। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि ए बी सी डी ई एवं एफ जो है ना, एक गोला के चार ओर इस प्रकार बैठे हैं कि ए जो है बी और सी के बीच में है, ए जो है ना वो बी और सी के बीच में है। आपको इतना बात तो पता चल गया कि सर ए जो है बी और सी के बीच में है। कितने बच्चे हैं, छह मित्र, तो एक दो तीन चार पांच छह इच्छाओं को बैठाएंगे और सारे को केंद्र की ओर करेंगे। पहला बोला ए जो है ना बी और सी के बीच में, बी यहां लिखेंगे यहां सी लिखेंगे, हो सकता है बी इधर हो इधर सी हो, लेकिन एक बार चलना अपने अपने आपको आइडिया आ जाएगा कि बी इधर आएगा क्या, अपने अगर वो बोलेगा तो काट के यहां बी कर देंगे यहां सी कर देंगे, लेकिन उतना टेंशन नहीं लेना, धीरे धीरे आप समझ जाओगे। फिर बोला है कि ध्यान से समझना, बोला है कि जो ए है बी और सी के बीच में है, डी के ठीक दाएं सी बैठा है। देखो इस लाइन से आपको समझ में आया, डी के ठीक दाएं सी बैठा है, यहां पर अगर सी बैठा है भैया तो डी के बाएं हो जाएगा, दाएं नहीं होगा। हम समझ गए सर आपका कहने का जो भी मतलब था ना, यहां बी नहीं सर, यहां सी बैठाइए और यहां पर भी बैठाइए। देखिए हम क्या बोले थे, थोड़ा कटम कुटी होगा आपका, कभी गंदा होगा तो गंदा होगा पहले छोटा छोटा लिखना, जब भी कंफ्यूजन वाली बात होती है कि सर इधर लिखे किधर लिखे, छोटा छोटा लिखना, मतलब थोड़ा सा गफा के नहीं लिखना, और उसके बाद जब आपका चेंज होगा तो थोड़ा गफा देना उसको, मतलब कि डार्क कर देना। अब देखो ये सी इधर हो गया, और जो उसे सी की बात कर रहा है डी के ठीक दाएं, तो डी यहां लिखेंगे तब ना ठीक दाएं, दाएं इधर होता है ना, डी के ठीक दाएं सी हो गया, ठीक है। एक एक लाइन को सीखो अच्छे से, अभी लर्निंग पीरियड है ना, धीरे धीरे समझ जाओगे, आसान होता है, बस आपको समझने की देर है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है इसमें, ज्यादा नहीं। अब देखो अब आगे बोला कि बी एफ और ए के बीच में बैठा है, बी जो है ना एफ और ए के बीच में बैठा है, ए यहां पर है, यहां पर एफ हो जाएगा तभी तो बीच होगा, हो गया। अब एक आदमी छूट रहा है, कौन छूट रहा है, ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, डी आ गया, ई छूट रहा है, ई अकेला यहां बैठ जाएगा ना, जो कुछ उसके बारे में कुछ नहीं था तो यहाँ बैठ जाएगा, ठीक है, हो गया। अब लास्ट लाइन पढ़ते हैं, क्वेश्चन में क्या कहता है, तो एफ के ठीक दाएं कौन बैठा है, एफ के ठीक दाएं कौन बैठा है, देखो दाएं इधर यही तो ई बैठा है, तो आंसर हो जाएगा ई, क्यों दाएं ऐसे घूमना है ऐसे, यानी कि इधर जाए ऐसे, दाएं ऐसे घूम रहा है, ठीक है, तो ये हो गया। तो इस तरह से आप बना सकते हो, इसका आंसर ई हो जाएगा। किसी को दिक्कत, बहुत अच्छा अनिल, वेरी गुड, तो सबका आंसर आ रहा है ई, हम देख पा रहे हैं चैटिंग ई सबका आ रहा है। यहाँ पे देखिए छोटू का, अनिल का, छोटू नीतीश ने डी बता दिया है, लेकिन अनिल का ई आया है, बहुत अच्छा, सबका ठीक है, बहुत लोगों ने सही आंसर किए हो, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दे रहे हैं, बनाओ इस क्वेश्चन को, देखते कितने लोग इस क्वेश्चन को बना सकते हो। देखिए क्वेश्चन नंबर तीन क्या कहता है कि ए बी सी डी एफ जी और एच केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्त की ओर चारों ओर बैठे हैं। देखो आपको सबसे पहले क्या करना है, एक गोला का निर्माण करना है। क्या बोल रहे हैं, ध्यान से देखो, एक गोला का निर्माण कर लिए, उसके बाद इसमें आठ आदमी है, आठ आदमी, एक दो तीन चार
पांच छ सात आठ, इस तरह से आठ आदमी को कर दिए हम, ठीक है। चलो यहां से थोड़ा सा गैप कर दिए, आठ आदमी को बैठाना है और वो केंद्र की ओर मुंह करके आठों आदमी बैठा, ठीक। अब इसमें क्वेश्चन का जो लैंग्वेज है ना, उस लैंग्वेज को एक एक लाइन को पढ़ पढ़ के इसमें काम करना है। अब देखो यहां जो इधर जाता है ये वाला क्या होता है, ये वाला आपका हो जाता है बाएं, क्यों, क्योंकि इधर मेरा दायां हाथ है और इधर जो होगा ये होगा दाएं, ठीक। अब देखो पहला लाइन पढ़ रहे हैं, ध्यान से समझना। कहता है क्या कि ए जो है ना एच के दाएं को चौथे और एफ के बाएं को दूसरे स्थान पर बैठा है, कौन, ए। ए जो है किसके, पहले के वाला को पकड़ना, पहले के वाला को पकड़ना, एच के, एच लिख दिया, ध्यान से समझना, एच के दाएं को चौथे, कौन, ए। तो दाहिने इधर होगा ना, पहला दूसरा तीसरा चौथा ए। आपके मन में होगा कि सर एच यहां से भी कर सकते थे, अगर एच यहां लिखते पहला दूसरा तीसरा चौथा ए हो यहां होता, लेकिन होता कहीं ना कहीं होता, लेकिन हम यहां से चले तो चलेंगे ऐसे, कोई दिक्कत नहीं, कहीं से भी चल सकते हो। फिर आगे बोला है कि और एफ के बाएं को दूसरे स्थान पर बैठा, ए जो है ना एफ के बाएं दूसरे, तो बाया इधर हो रहा है ना, तो यहां पर एफ लिखेंगे तब तो दूसरा होगा वो, सॉरी यहां नहीं होगा, तुरंत हो जाएगा, यहां पहला दूसरा, बाएं इधर होता है, पहला दूसरा, यहां पर एफ बैठा दिया, ठीक। अगला एक लाइन का सारा चीज हमारा बैठ गया। आगे देखो, अब टेंशन वाली बात होगी लेकिन उसको सीख जाओगे। सी एफ और बी का पड़ोसी नहीं है, सी जो है ना एफ और बी का पड़ोसी नहीं है, यानी कि यहां सी नहीं होगा, जब नहीं वाला रहेगा यहां लिख के कट करना, यहां भी सी नहीं होगा, ठीक है। और बी का भी पड़ोसी नहीं होगा, जहां पर बी रहेगा ना उस बी के बगल में भी मेरा सी नहीं बैठेगा, ये हमको याद रखना है, ठीक है। तो देखो ध्यान से हम क्या करते हैं, इस लाइन को भी छोड़ देते हैं, सी सी यहाँ नहीं बैठेगा, हो सकता है सर सी यहाँ 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 कहीं बैठ जाए, यहाँ यहाँ तो नहीं यहाँ बैठेगा, तीनों में कहीं भी बैठ जाए। आगे बढ़ते हैं, जो नहीं बैठने अभी जो आपको पूरी तरह डायरेक्शन ना दे पाए उस पर आप ज्यादा फोकस नहीं करना। अगला लाइन देखो क्या कहता है कि अगला लाइन में बोला गया कि सी जो है सी एफ और बी का पड़ोसी नहीं है, डी सी के दाएं को तीसरा बैठा है, डी जो है ना सी के दाएं तीसरा, ये लाइन आपका सही कर देगा, डी जो है ना सी के दाएं, ये भैया दाएं इधर होता है, अगर हम सी यहां लेते हैं, सी यहां लेते हैं तो पहला दूसरा तीसरा हो ही नहीं रहा, अगर हम सी यहां लेते हैं पहला दूसरा तीसरा यहां डी बैठ गया, बिल्कुल सही है, ये हमारा सी यहां पे लेने का एक टेक्निक आया, ठीक है। क्या बोला था कि डी सी के दाएं, दाएं इधर से घूम रहा है ऐसे, तो सी के दाएं पहला दूसरा तीसरा यहां पर डी ले लिया, ठीक है। और यहां पे देखो सी नहीं बैठना था, इधर भी नहीं बैठना था, नहीं बैठा है यहां से बैठा है, ठीक है। अगला जो लाइन छोड़े थे वो देख लो, बी जो है ना सी के बगल में नहीं बैठेगा, अब देखो सी के बगल में बी नहीं बैठेगा, ना यहां पर बैठ सकता है बी और ना नीचे लिखना इधर पीछे में, यहाँ भी नहीं बैठ सकता है और यहाँ पर भी नहीं बैठ सकता, जब नहीं बैठ सकता तो यहाँ बैठा दो ना, यहाँ जगह खाली है तो यहाँ बैठा दिए बी को, देखे कैसे लाइन को पूरा कर रहा है, क्वेश्चन खुद करेगा जब आप सीख जाओगे तो। फिर अगला लाइन बोला है डी सी के दाएं को तीसरा बैठा है, बैठा दिए डी, देखो सी के दाएं पहला दूसरा तीसरा बैठा दिए, और उसका बात भी फॉलो कर दिए कि सर एफ के बगल में मेरा सी नहीं है और इधर भी नहीं है, और बोला था कि बी के बगल में आपका सी नहीं होना चाहिए, तो देखो सी के बगल में बी यहां नहीं लिखे, यहां लिख दिए। अब जो बैठने का दो आदमी है उसको आराम से बैठाएंगे, ध्यान से समझना। अगला क्वेश्चन, अगला लाइन पढ़ो, देखो क्या कहता है कि एच कभी भी जी के अगले स्थान पर नहीं बैठता है, हाँ एच जो है कभी भी जी के अगले स्थान पर नहीं बैठता है, तो जी यहां नहीं बैठेगा तब तो अगला स्थान एच हो जाएगा, तो बोलेंगे एच को यहां बैठा दो सर, जी को यहां बैठा दो सर, ठीक है। तो देखो जी के अगले स्थान पर एच नहीं बैठा है, तो कितना आदमी बैठने का था बैठा दिया, अब एक आदमी का चर्चा नहीं करता है वो, ठीक है, बी और डी के बीच में कौन बैठा है ये बोला, लेकिन एक आदमी की चर्चा नहीं किया है तो कौन छूट रहा है, ए हो गया है, बी हो गया है, सी हो गया है, डी हो गया, ई छूटा है तो ई यहां लिख दिया, ई हो गया, एफ हो गया और जी हो गया, एच हो गया, आठों का आठों बैठा दिए। अब जो क्वेश्चन में बोला है लास्ट लाइन बोला था कि बी और डी के बीच कौन बैठा है, तो बी और डी के बीच में एफ बैठा है, ये आपका आंसर हो गया, ठीक। धीरे धीरे समझ में आएगा, एक एक पार्ट को यहां पर आपको ड्रॉ करना होगा, स्थिर होकर मेहनत करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी इस तरह के क्वेश्चन को बना पाओगे। किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, आराम से बता दिए, उम्मीद करते हैं ये आप लोग सीख गए होंगे, ठीक है। बहुत अच्छा, छोटू का आंसर रह पा रहा है, और किसी का आंसर अगर रह पा रहा हो या नहीं आ रहा हो तो कॉमेंट कर दो जल्दी से कि सर मेरा नहीं आया, या फिर एक बार वीडियो फिर देख लेना, आपको सारा चीज समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपका, स्क्रीन पे क्वेश्चन दे रहे हैं, देखो बहुत अच्छा प्रीतम, वेरी गुड, ये हुई ना बात,
सबका आंसर आना चाहिए इसी तरह से। देखो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इस क्वेश्चन का आंसर करो, ये क्वेश्चन को कैसे बनाओगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर देखो, देखो वैसे अभी आपके पास पांच मिनट का समय, जल्दी से बना सकते हो, जल्दी से बनाओ। फोर नंबर कितने लोग बना सकते हो, उसके बाद एक होमवर्क मिल जाएगा आप लोगों को, वो बना के कमेंट करना। अनिल सिंह का कमेंट, चलो बताओ इसका फोर नंबर का आंसर। फोर नंबर का आंसर देखो क्या कहता है, पहले फोर नंबर क्वेश्चन को समझो। कहता है ए बी सी डी ई और एफ केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्त में बैठे हैं। ए भैया केंद्र की ओर मुंह करके अगर वृत्त में बैठेगा, ठीक है, बैठेगा तो कैसे कैसे बैठेगा, वही ना बैठाना है। केंद्र ये हो गया, अकेट आदमी है, देख लो ध्यान से, छठ आदमी है, एक दो तीन चार पांच छ, इन छों को यहां बैठा देंगे, ठीक है। जब छ को बैठाएंगे तो कैसे बैठाएंगे, अब जैसे बोला है वैसे बैठाओगे। और इधर आपको पहले यह डायग्राम बनाने आना चाहिए कि बायां दायां किधर होता है, किधर होता है, जिधर दायां हाथ होगा उधर बायां लिखना, और जिधर बायां हाथ होगा उधर दायां लिख देना, क्योंकि आप ऊपर पे बैठे हो फुलंगी पे, अब वहां से ऐसे हाथ को मोड़ दिए हो और देखो किधर बायां हाथ है इधर दायां हाथ है, ठीक है। आप देखो अगला लाइन कहता है कि एफ ए के दूसरे बाएं छोर बाएं ओर है, ये क्वेश्चन है। तो देखो इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो F जो है A के दूसरे बाएं ओर पर है। D प्रीतम का आंसर बिल्कुल सही देख पा रहे हैं, D आया है, और जब एक ने दे दिया इसका मतलब सब लोग दे सकते हो, ठीक है। अब क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना, बहुत ही आंसर आंसर एफ दिया है, बहुत अच्छा नील, वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन है कि देखो ये क्वेश्चन कैसे बनाओगे, क्वेश्चन नंबर फोर जो दिया है आपका, बोला है कि ए बी सी डी ई और एफ केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्त में बैठे हैं, एफ ए के दूसरे बाएं ओर पर है। एफ जो है ना ए के, पहले ए लिख दो, ए के, अब ए के किधर, देखो ध्यान से बोला है क्वेश्चन में कि एफ ए के दूसरे बाएं ओर है। ये भैया बाएं इधर होगा, पहला दूसरा यहां पर एफ दे दो, ये तो बोला था कि सर एफ जो है ना ए के बाएं दूसरे है, पहला लाइन ये हो गया। अगला जैसे जाते हैं तो बोलता है कि बी ए के दूसरे दाएं ओर पर है, बी जो है ना ए के दाएं, ए बी जो है ए के दूसरे दाएं छोर पर है, ए के दाहिने जाना इधर, पहला दूसरा यहां पर बी बैठा दिए। आराम से करो भाई, कुछ नहीं है, आराम से एक एक लाइन पढ़ते जा रहे हैं और करते जा रहे हैं, ठीक है। बी जो है ए के दूसरे, ए का पहला दूसरा दाएं छोर पर है। आगे बोला ए डी का बाएं पड़ोसी है, ए जो है ना डी का बाएं पड़ोसी है, ए जो है ना डी का बाएं, ए भैया डी यहां बैठेगा तब ना बाएं पड़ोसी हो जाएगा, ये देखो डी के बाएं इधर हुआ कि नहीं हुआ, बाएं इधर हो रहा है तो हो रहा है, वो लाइन भी प्रूव कर दिए। अगला बोला है, अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखो, डी के क्या हो रहा है, बाएं हो गया ए। आगे बोला है उसी में कि क्या बोला है, पढ़ रहे हैं आगे, देखो डी जो है, हाँ ए के बाएं पड़ोसी है। सी एफ और बी, सी एफ और बी, एफ और बी और के बीच, देखो यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक लिखा है, सी एफ और बी के बीच बैठा है, ये लिखना चाहिए, सी जो है ना एफ और बी के बीच बैठा है। ये भैया एफ और बी के बीच में सी बैठेगा, बी यहाँ हो गया, एफ यहाँ हो गया, तो सी यहाँ बैठा दो, एफ और बी के बीच में सी बैठा दिया, ठीक है। आगे बढ़ो, फिर अगला लाइन पढ़ो, पढ़ते जाओ बनते जाएगा। ए का बाई का पड़ोसी ई है, ए का बाई का पड़ोसी ई है, ए भैया ए यहाँ है, बाई और इधर होगा तो पड़ोसी ई हो जाएगा, यहाँ ई बैठ जाएगा, सारा बात वो ना एकदम आराम से बैठवा दिया, कोई टेंशन ही नहीं था। इस तरह का क्वेश्चन आया यूपी पुलिस कांस्टेबल 2013 में। अब देखो कहता है क्या कि एफ का पड़ोसी कौन है, एफ का पड़ोसी कौन है, सी और ई है, एफ का पड़ोसी सी और ई है, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। सी बिल्कुल सही संदीप, आपकी कमेंट को हम देखेंगे, आपको शायद ना दिखता हो लेकिन हम देख पा रहे हैं, सी और ई बिल्कुल सही आंसर है छोटू, वेरी गुड, सबका आंसर आ गया। तो कैसा रहा आज का क्लास, आज की क्लास को हम यहीं विराम देते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन आपको दे रहा है, बना के देखना कितने लोग इस क्वेश्चन को बना सकते हो, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमको करना है बाद में, कितने लोग इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो, इस क्वेश्चन को बना के रखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर
जितना भी है देख लो, ए बी सी डी ई एफ और जी ए, एक इसको स्क्रीनशॉट ले लो और कमेंट करना कि इसका आंसर क्या होगा। हम चाहते हैं कि आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर का कमेंट कीजिए। बहुत ही मजेदार सेशन रहता है सीटिंग अरेंजमेंट, लेकिन थोड़ा सा ये जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बना सकते हो आप अगर थोड़ा सा मेहनत करोगे ना, तो कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, हाँ इसका क्या, इसका एक ही क्वेश्चन, हाँ इसी में एक ही पुट है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से बना सकते हो। ठीक, इसको बना लोगे ना सब, कोई दिक्कत किसी को क्या भाई? नहीं तो चलिए, अच्छा कोई बात नहीं, पढ़ने वाला आया ना, सात सातों का नौकरी होने जाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आज की क्लास को विराम देते हैं, अगले क्लास में फिर मिलेंगे।